पहला आंदोलन देखे आगे, आंदोलन खत्म होने के बाद में लोग चले जाते हैं, स्पीच हुई। ये आंदोलन है कि 3 दिन बाद में भी भीड़ बढ़ रही। और रवीश कुमार जी का धन्यवाद करते चले, हर सिंह चौधरी बैठे जी 99 साल के हैं, हमने 99 साल का बुजुर्ग कभी अपने जीवन में नहीं देखा, तो मैं आपका पारे बोले जय हिंद। दोस्तों आप देख रहे हैं ताजिफ टीवी। रवीश कुमार आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों के दरमियान पहुंचे, जिसे देखकर किसान बहुत खुश हुए और उनके साथ सेल्फी निकाली और उनसे मिले और उनसे बातचीत की। रवीश कुमार तो आप जानते ही हैं कि मशहूर पत्रकार हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज में अपना प्राइम टाइम चलाते हैं, जो कि लोगों के दरमियान बहुत ही ज्यादा पसंदीदा प्राइम टाइम है। अब सवाल यह है कि जब किसानों का आंदोलन खत्म हुआ तो रवीश कुमार किसानों के दरमियान क्यों पहुंचे, हालांकि पिछले 1 साल में रवीश कुमार कभी भी किसानों के दरमियान नहीं आए, बल्कि वो अपने स्टूडियो में खड़े होकर किसानों के हित में और किसानों के लिए आवाज उठाया करते थे। तो अचानक जब आंदोलन खत्म हुआ तब रवीश कुमार क्यों पहुंचे, मैं इसका जवाब खुद उन्हीं के जबानी आपको सुनवाऊंगा। इससे पहले आप उन तस्वीरों को देखें जिन तस्वीरों में किसान रवीश कुमार से मिल रहे हैं और उनसे खुशी का इजहार कर रहे हैं। हालांकि जब भी कोई गोदी मीडिया का पत्रकार किसानों के दरमियान पहुंचता था तो किसान उनके साथ किस तरह का बर्ताव करते आप जानते ही हैं, लेकिन जब एक सच्चे पत्रकार किसानों के दरमियान पहुंचे तो किसान किस तरह से खुश हैं आप खुद तस्वीरों में देखें। उसके बाद मैं आपको रवीश कुमार के उस जवाब को भी सुनाऊंगा जिसमें ये सवाल था कि आखिर 1 साल के बाद जब आंदोलन खत्म हुआ तभी आप किसानों के दरमियान क्यों पहुंचे, और उसके बाद मैं आखिर में वो भी आपको जवाब सुनवाऊंगा जो जवाब रवीश कुमार गोदी मीडिया पर दिए थे। सबसे पहले किसानों के साथ मिलने वाले तस्वीरों को देखें। हर सिंह चौधरी बैठे जी 99 साल के हैं, हमने 99 साल का बुजुर्ग कभी अपने जीवन में नहीं देखा, तो मैं आपका पारे 1 जनवरी को 100 साल के हो जाएंगे। बोले आंदोलन देखे आगे, आंदोलन खत्म होने के बाद में लोग चले जाते हैं, स्पीच हुई। ये आंदोलन है कि 3 दिन बाद में भी भीड़ बढ़ रही। याद आए हमारी तो मत रोना, हम छोड़ चले गाजीपुर की महफिल को। याद आए हमारी तो मत रोना, कुछ गिले सिकवे थे, कुछ गिले सिकवे थे वे दूर हुए, मांगे हमारी पूरी हुई, किसानों की जीत हुई। आओ मिलने गले, फिर मिले ना मिले, आ अब लौट चले, आ अब लौट चले। वाह, और रवीश कुमार जी का धन्यवाद करते चले, आ अब लौट चले। आप दर्शन करने योग्य हैं तभी आया हूँ। नहीं जी, आप दर्शन करने भैया ये फोटो करा लो। हाँ फोटो करा लो जी, आप भावुक हो गए हो ज्यादा। भावुक हो गए नहीं, भूमिका ऐसी निभाई कि भाई तुम हो ज्यादा। दोस्तों आप रवीश कुमार से उस जवाब को सुने जो जवाब रवीश कुमार 1 साल के बाद किसानों के दरमियान आने की वजह पर दे रहे हैं। मैं इसलिए 1 साल दूर रहा क्योंकि मैं इस आंदोलन को, ये मैं जान रहा था कि इसका आकर्षण ऐसा है कि कोई भी जो अपने देश के लोगों के प्रति ज़रा भी संवेदनशील है वो इसमें खींच सकता है। तो मैं अपनी एक सोचा था कि मैं दूरी बना के रखूँगा और मैं दूर से देखना चाहता था इस आंदोलन को हमेशा।
ताकि एक पर्सपेक्टिव, एक संदर्भ मुझे सही सही नज़र आए कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या सारी चीज़ें हैं। कई बार मैं जानता हूँ कि लोग इतना प्यार करते हैं कि फिर उसको मुझे अपना उसका हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन मुझे वो लाइन हमेशा खींचनी पड़ती है। पर आज नहीं रहा गया कि अब आंदोलन ख़त्म हो गया है, जाने का ऐलान हो गया है। दोस्तों, अब आप देश के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार से गोदी मीडिया पर कहे गए जो कि उन्होंने किसानों के दरमियान कहा, उस बात को भी सुने कि रवीश कुमार गोदी मीडिया के बारे में क्या कह रहे हैं। पर बहुत कुछ सीखने की बात है, क्योंकि ये जो किसान बिल है ये कोई साधारण बिल नहीं है। इसमें जिस तरह की तकनीकी बातें थी उसको समझ के गलत तरीके से कौन लिख रहा था? अंग्रेजी के अर्थशास्त्री लिख रहे थे और किसान नहीं समझ रहे थे। जो खेती करते हैं, जो उगा रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो अपनी स्थिति तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कई बार नहीं भी समझ सकते। लेकिन उस कानून की बारीकियों को पूरे आंदोलन में व्यापक रूप से प्रसारित कर देना, ये बड़ी बात है, है ना। और ये इन्होंने अपने स्तर पे किया, मीडिया ने तो किया नहीं। मीडिया ने तो नहीं बताया कि इसमें ये चीज़ है, इसमें आपका ये नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। मीडिया तो चुप ही था। इनके सड़क पे उतरने के कई महीनों तक मीडिया इस कानून को लेकर, आप जब पुरानी रिपोर्ट देखेंगे उसमें किसी तरह की कोई आपको डिटेलिंग नहीं मिलेगी, कोई सवाल नहीं मिलेगा कि आप इतना बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और अध्यादेश से ला रहे हैं और इतना सारा सपना दिखा रहे हैं। अब तो 4-10 दिन के बाद 2022 आने वाला है, वो विज्ञापन लेकर आ जाएंगे कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है ना। तो किसान आंदोलन ने सबसे बड़ी चीज़ जो स्थापित की है पिछले 7 साल में, ये स्थापित कर दी गई थी कि जनता बेवकूफ़ है। लेकिन किसान आंदोलन ने इस धारणा को तोड़ दिया, नहीं, जनता बेवकूफ़ नहीं है। तो आप ठीक है, आप कोई कानून बनाते होंगे तो उसमें आप किसानों की भी भागीदारी रखिए। ये एक बड़ा बदलाव था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज ताजिफ टीवी पर देख रहे हों तो पेज को फॉलो करें, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। जय हिंद।